गुड मॉर्निंग किड्स, हाउ आर यू ऑल। टुडे वी हैव टू लर्न इंग्लिश स्टैंडर्ड 3। तो किड्स, लास्ट टाइम हमने पेज नंबर 84 का जो क्वेश्चन 1, 2, 3 है वो मैंने कंप्लीट करवा दिया था। आई होप सभी बच्चों ने वीडियो में देख देख के अच्छे से सारे क्वेश्चन फिलअप कर लिए हैं अपने टेक्स्ट बुक में, और सबका मीनिंग जो है वो अच्छे से समझ लिया है आप लोगों ने। सो किड्स, आज जो है हम पेज नंबर 85 से स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा क्वेश्चन 4 तक कम्प्लीट हो चुका है। आज हम न्यू क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। सो लास्ट टाइम मैंने आपको ये सिंगुलर और प्लूरल वाला मैंने समझा दिया था। आई होप सभी बच्चों को समझ आया है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड एफ यू एल टू मेक अ वर्ड, यानी कि एफ यू एल मीन्स फुल। तो ये जो है हमें शब्द बनाने के लिए ऐड करना है एफ यू एल। तो एड एफ यू एल टू मेक अ वर्ड, शब्द बनाने हैं हमें। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट दिया है द चिल्ड्रेन आर ब्लैंक, तो प्ले में क्या ऐड करेंगे, प्ले के साथ एफ यू एल, तो प्ले फुल बनेगा। यानी कि यहाँ पे लिखेंगे हम प्ले फुल, क्या लिखेंगे हम प्ले फुल। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है प्ले प्लस फुल यानी कि प्ले फुल। तो चिल्ड्रेंस आर प्ले फुल, तो चिल्ड्रन कैसे होते हैं प्ले फुल, यानी कि बाड़कों रमतियाड़ होय छे। ओके, सेकेंड है द फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, ब्यूटी प्लस फुल, तो फ्लावर्स कैसे हैं ब्यूटीफुल, मतलब मस्त है। तो बुक्स आर यूज प्लस फुल यानी कि यूजफुल, तो बुक्स हमारे लिए कैसी है, यूजफुल है, उपयोगी है हमारे लिए। उसके बाद है द वेजिटेबल्स आर प्लेंटीफुल, तो वेजिटेबल्स कैसे हैं प्लेंटीफुल हैं, यानी कि वेजिटेबल्स जो है वो गुणवत्ता से भरे हुए हैं। ओके, दो सेंटेंस कैसे बनेंगे, प्ले प्लस फुल प्ले फुल, ब्यूटी प्लस फुल ब्यूटीफुल। लेकिन यहाँ पे आपको देखना है कि वाई निकल जाएगा और वाई की जगह पे आई आ जाएगा। ओके, उसके बाद है यूज़ प्लस फुल यानी कि यूजफुल, और प्लेंटी प्लस फुल में प्लेंटी में से वाई निकल जाएगा और उसकी जगह पे आई आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि कैसे वर्ड्स बनते हैं। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, एड एल वाई टू मेक अ वर्ड। अभी ऊपर हमने एफ यू एल लगाया, अभी यहाँ पे हमें एल वाई लगाना है। तो लव प्लस एल वाई, तो लवली। उसके बाद है रियल प्लस एल वाई, तो उसका आएगा रियली। तो आप देख सकते हैं कि एल के आगे ए ई आई ओ यू होने की वजह से यहाँ पे जो लास्ट लेटर है एल, वो डबल टाइम लिखा गया है। ओके, उसके बाद है स्लो, तो स्लो का होगा स्लोली। उसके बाद है सॉफ्ट, तो सॉफ्ट का होगा सॉफ्टली। ओके, तो चलो देखते हैं क्या सेंटेंस दिया है हमें। द न्यू शूज़ आर लवली, मेरे नए शूज़ कैसे हैं, लवली है, बहुत अच्छे हैं। ही इज़ रियली स्मार्ट, वो बहुत स्मार्ट है। वी शुड ईट स्लोली, हमें धीरे धीरे खाना चाहिए। लेट अस सिंग सॉफ्टली, तो हमें कैसे गाना चाहिए, सॉफ्टली, मतलब सॉफ्ट आवाज़ में गाना चाहिए। तो लव प्लस एल वाई लवली, रियल प्लस एल वाई रियली, यहाँ पे डबल एल होता है। उसके बाद स्लो प्लस एल वाई स्लोली, सॉफ्ट प्लस एल वाई सॉफ्टली। तो आई होप सभी बच्चों को समझ में आया है कि कैसे एल वाई लगाते हैं। उसके बाद है एड आई एस एच इश टू मेक अ न्यू वर्ड, तो हमें आई एस एच लगाना है। तो चाइल्ड प्लस आई एस एच चाइल्डिश, चाइल्डिश। उसके बाद फुल प्लस आई एस एच फुलिश। उसके बाद है बेबी प्लस आई एस एच, तो बेबीश। ओके, तो चलो देखते हैं क्या सेंटेंस हमें दिया है। दैट गर्ल इज़ ऑलवेज क्राइंग, वो लड़की जो है वो हमेशा रोती रहती है। शी इज़ चाइल्डिश, वो कैसी है, बच्चों की तरह है। चाइल्डिश मतलब बच्चों की जैसी है। दैट गर्ल इज़ ऑलवेज क्राइंग, शी इज़ चाइल्डिश, चाइल्ड प्लस आई एस एच चाइल्डिश, तो वो गर्ल हमेशा रोती रहती है, वो कैसे हैं, चाइल्डिश है। उसके बाद है आई स्लिप ऑन बनाना पिल, बनाना पिल यानी कि केले की जो छाल होती है उसे क्या बोलते हैं, बनाना पिल बोलते हैं। तो मैं स्लिप्ड हो गई किसके ऊपर, बनाना पिल के ऊपर। आई फील फुलिश, मैं कैसा फील कर रही हूँ, फुलिश मतलब मूर्खों के जैसा फील कर रही हूँ। तो फुल प्लस इश इट इज़ गिव फुलिश। उसके बाद है माई सिस्टर इज़ बेबी इश, मेरी बहन कैसी है, बच्चों जैसी है, बेबी इश,
बेबी प्लस इस मेरी बहन कैसे हैं, बच्चों जैसे हैं। तो ये हो गया ISH लगाने का। ओके चलो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। पेज नंबर 86 पे क्या दिया है हमें, लेट्स राइट। तो हमें लिखना है राइट 5 sentences ऑन हाउ यू हेल्प एट होम, यानी कि आपको 5 sentences लिखने हैं कि आप घर पे कैसे हेल्प करते हो। तो फर्स्ट लिखा है आई हेल्प मदर, मैं अपनी मम्मी को हेल्प करता हूँ या करती हूँ। इन in CUTTING कटिंग VEGETABLES वेजिटेबल्स। तो आई हेल्प मदर इन कटिंग वेजिटेबल्स, तो मैं अपनी मम्मी को वेजिटेबल्स कट करने में हेल्प करती हूँ। नेक्स्ट लाइन है आई हेल्प फादर, मैं अपने पापा को कैसे हेल्प करता हूँ। तो उसमें लिखेंगे मैं अपने पापा को हेल्प करता हूँ कि इन WATERING वाटरिंग PLANTS प्लांट्स। तो आई हेल्प फादर इन वाटरिंग द प्लांट्स, तो मैं अपने पापा को प्लांट्स को पानी पिलाने में हेल्प करता हूँ। उसके बाद है आई ऑल्सो हेल्प माई ब्रदर इन, मैं मेरे भाई को भी हेल्प करता हूँ किस में, अरेंजिंग हिज बुक्स ARRANGING अरेंजिंग, अरेंज करना मतलब उसे सही तरीके से रखना। हिज बुक्स उसकी बुक्स को सही तरीके से रखने में मैं अपने भाई की हेल्प करती हूँ। उसके बाद है आई ऑल्सो हेल्प माई सिस्टर, मैं अपनी सिस्टर को भी हेल्प करती हूँ विथ क्लीनिंग हर कपबोर्ड CLEANING क्लीनिंग मतलब क्लीन करना। हर यानी कि मेरी सिस्टर है, लड़की है, उसके लिए हर यूज़ किया है। कपबोर्ड यानी कि कबाट हम बोलते हैं ना वो, तो आई ऑल्सो हेल्प माई सिस्टर विथ क्लीनिंग हर कपबोर्ड, यानी कि मैं अपनी सिस्टर को उसका कबाट जो है उसे क्लीन करने में हेल्प करती हूँ। उसके बाद है आई डू ट्राई टू हेल्प EVERYONE everyone with small things in the house. I do try, मैं try करती हूँ to help, help करने की everyone सबको with small things छोटी छोटी चीज़ों के साथ in the house मेरे घर में। तो मैं help करने की try करती हूँ छोटी छोटी चीज़ों के साथ मेरे घर में सबको हेल्प करने के। ओके तो ये जो सेंटेंस है मैंने आपको स्पेलिंग के साथ अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं। जैसे जैसे मैं बोलती जा रही हूँ सारे बच्चों को अपने टेक्स्ट बुक में जो है वीडियो में देख देख के फिलअप करते रहना है सभी चीज़ें, तो और समझते भी रहना है तभी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएगी। उसके बाद है से अलाउड, तो यहाँ पे आपको ये स्पेलिंग जोर से बोलने हैं DONKEY डोंकी, MONKEY मंकी, TURKEY तुर्की। उसके बाद है SISTER सिस्टर, MOTHER मदर, FATHER फादर। डोंकी मंकी तुर्की सिस्टर मदर फादर। तो ये जो है आपको घर पे 5 times स्पेलिंग के साथ बोलना है तो आपका जो रीडिंग प्रैक्टिस है वो अच्छी होगी। उसके नीचे चलो दिया है, क्या दिया है आई एम अ पॉपकॉर्न, मैं कौन हूँ पॉपकॉर्न हूँ। पुट मी इन अ पैन, मुझे कहाँ पे रखो पैन में रखो। शेक मी एंड शेक मी, मुझे हिलाओ। शेक मी मतलब हिलाओ, शेक करना मतलब किसी चीज़ को हिलाना। एज फास्ट एज यू कैन, तुम जितना फास्ट कर सकते हो उतना। एंड आई पॉप, और मैं क्या करूँगा पॉप करूँगा, यानी आपको पता है कि मम्मी तेल गरम करके कुकर में पॉपकॉर्न के जो दाने हैं वो डालती है तो पॉपकॉर्न क्या हो जाते हैं पॉप हो जाते हैं, मतलब वो दाने में से पूरा फुल जाते हैं, तो इट्स कॉल्ड अ पॉप। ओके तो ये पॉपकॉर्न की पोएम है। तो ये सिर्फ आपको रीड करनी है, क्या करनी है रीड करनी है ताकि आपकी रीडिंग प्रैक्टिस सही से हो। सो किड्स आज हमने क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 किया पेज नंबर 85 पे और पेज नंबर 86 पे ये वाला, और ये सारी चीज़ें कर ली है। तो आई होप सभी बच्चों ने मेरे साथ वीडियो में देख देख के ये सब अपने टेक्स्ट बुक कम्प्लीट कर ली है। सिर्फ आपको ये वर्ड जो है अलाउड मतलब ज़ोर से बोलने हैं और ये पोएम भी रीड करनी है। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर से हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।